हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ बुलियन रिंग के साथ में, एंड देन वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, सब रिंग्स एंड आइडियल्स। ओके, सो सबसे पहले हम बुलियन रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सो एक रिंग है R, उसको हम बोलेंगे कि ये बुलियन रिंग है इफ a ring R is said to be Boolean ring if x square equal to x for all x belongs to real number। अगर एक रिंग R के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास में x square equal to x आपको मिल जाए, तब हम बोल देंगे कि ये जो रिंग है आपकी ये बुलियन रिंग है। ठीक है, और अब यहाँ से आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बुलियन रिंग होती है, बुलियन रिंग R अगर हम बोल रहे हैं, ये आपकी ऑलवेज कम्यूटेटिव होती है, ऑलवेज कम्यूटेटिव। ठीक है, और बुलियन रिंग का जो ऑर्डर होगा, अगर हम फाइनाइट बुलियन रिंग की बात करें, फाइनाइट बुलियन रिंग, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है हमेशा 2 to the power n होगा, n इक्वल टू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस हैं बुलियन रिंग्स की, ये आपको डायरेक्ट ही काम आते हैं जब कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो दोनों फैक्ट हैं ये आपके यूजफुल हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, उसको हम कैर ऑफ R से डिनोट करते हैं, और ये आपका होता क्या है, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर आपको रिंग में अगर आप R रिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाए सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट रिंग यू कैन राइट n टाइम्स x इक्वल टू 0, देन वी से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज दिस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। ओके, एंड इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट any such list positive integer n such that n times x equal to 0, then we say that characteristic of ring is 0। ठीक है, सो ये आपका डेफिनेशन था एक रिंग का कैरेक्टरिस्टिक का। तो अगर आप कुछ एक एग्जाम्पल्स देखना चाहें, सो वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम z, q, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें, तो ये इनकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा लिस्ट इंटीजर नहीं मिलेगा n सच दैट आप इनके एलिमेंट्स को n टाइम्स x इक्वल टू 0 लिख पाओ। ठीक है, और आप zn की बात करें तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है वो n हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप और भी रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे। अब एक इससे रिलेटेड हम थ्योरम या रिजल्ट बोल सकते हैं इसे, तो वो क्या कहता है, अगर R आपका एक रिंग है, इफ R इज ए रिंग विद यूनिटी, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R जो होती है वो आपकी एडिटिव ऑर्डर ऑफ 1R। यहाँ पे यूनिटी ऑफ रिंग डिनोट करिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि हम 1R से डिनोट करेंगे रिंग की यूनिटी को। ठीक है, लेस देन अगर इन्फिनिटी है तो, और अगर इसका जो ऑर्डर है वो इन्फिनाइट आ जाता है, उस केस में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है रिंग का वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी रिंग है और उसके पास में यूनिटी है, तो किसी रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप उस यूनिटी से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, अगर उसका एडिटिव ऑर्डर मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, उसका ऑर्डर अगर समथिंग फाइनाइट नंबर हो रहा है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, और अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि अगर आपकी जो R है, इफ R इज ए नॉन जीरो फाइनाइट रिंग, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी नॉन जीरो फाइनाइट रिंग है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो नॉन जीरो हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो एक और रिजल्ट है फील्ड से रिलेटेड, कि फील्ड की आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड एफ इज आइदर जीरो और प्राइम नंबर। अगर आपके पास में एफ कोई फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो हो सकती है या तो प्राइम हो सकती है। तो अगर आपका जो फील्ड है वो इनफाइनाइट हो जाता है तो उस केस में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो हो जाएगा, अगर फाइनाइट है तो प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और आपका रिजल्ट है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड ही। सो ये क्या कहता है, लेट आर बी ए फाइनाइट नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं। अगर आर आपका फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका पी टू द पावर एन होगा, जहाँ पे पी जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहीं से एक और आपका रिजल्ट निकल के आता वो है कि अगर एफ आपका फील्ड है कोई, तो इसका जो ऑर्डर है वो पी टू द पावर एन होगा। P यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर है, P इज प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ पे फाइनाइट फील्ड की बात हम कर रहे हैं, अगर एक फाइनाइट फील्ड है तो उसका ऑर्डर प्राइम की सम पावर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी हमने बुलियन रिंग की बात करी थी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू 2 इफ R इज ए बुलियन रिंग। ठीक है, अगर आपकी R बुलियन रिंग है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑलवेज 2 होती है। ओके, अभी हमने देखा कि अगर R जो है वो फाइनाइट या इनफाइनाइट होता है, उस केस में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक वो जीरो या नॉन जीरो होता है। ठीक है, सो अगर आप एक इनफाइनाइट रिंग की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक of an infinite ring may be 0 और non zero। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले ही कि अगर फाइनाइट है तो उसकी नॉन जीरो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगा, बट अगर इनफाइनाइट है तो उसका जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप Q की बात कर सकते हैं। Q का कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था 0 है, बट अगर आप ZN की बात करें, और पॉलिनोमियल रिंग ZNX की, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो N होता है, जबकि ये जो आपका ZNX है ये इनफाइनाइट होता है, बट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, सो अगर आपके पास इनफाइनाइट रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, राइट। और एक और है, अभी हमने देखा था कि अगर फाइनाइट रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो है, बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। मींस इफ कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो देन आर मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक भी नॉन जीरो होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट ही होगा। आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ZNX की नॉन जीरो हो रही है, बट ये आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, सो इसका कन्वर्स ट्रू आपका नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ एक आपकी रिजल्ट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम लोग सबरिंग और आइडियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सबरिंग को डिफाइन करेंगे, देन हम आइडियल पे मूव करेंगे, ठीक है। सो सबरिंग्स, तो जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप की बात की थी, राइट, उसी टाइप से हम सब रिंग्स की बात करेंगे। तो सब रिंग्स के लिए सबसे पहले आप एक रिंग लीजिए, सपोज आर जो है वो आपका एक रिंग है। अब सब रिंग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसका एक हम सबसेट लेंगे, तो सबसेट हम लेंगे नॉन एम्पिटी। तो एक हमने नॉन एम्पिटी सबसेट ले लिया है आर का। अब इस एस को हम बोलेंगे सब रिंग, इज सेड टू बी सब रिंग इफ S is a ring under the binary operation plus and multiplication from R, ठीक है। अगर आपके पास में R एक रिंग है और इसका कोई हम नॉन एम्पिटी सबसेट ले लेते हैं, सपोज S, तो इसको हम सब रिंग बोलेंगे अगर ये खुद भी एक रिंग हो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम आर, ठीक है। ये आपका सब रिंग का डेफिनेशन हो गया। जैसे हम सब ग्रुप डिफाइन करते थे तो उसके लिए क्या करते थे कि वो आपका सब ग्रुप का सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्पिटी सबसेट होना चाहिए, और ग्रुप के ऑपरेशंस के साथ में वो खुद भी एक ग्रुप बनाना चाहिए। सेम आप अप्रोच यहाँ पे ले सकते हैं। और हमने सब ग्रुप्स में देखा था कि वहाँ पे सब ग्रुप चेक करने के लिए आपके कुछ एक टेस्ट हो रहे थे, 1 स्टेप 2 स्टेप फाइनाइट स्टेप, है ना। तो इसी टाइप से आप सब रिंग चेक करने के लिए भी एक टेस्ट होता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। सो ए नॉन एम्पिटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ आर if only if AB belongs to S and A minus B belongs to S, जहां पे A और B जो है आपका S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो आपको अगर सबरिंग चेक करना है किसी सेट को तो आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट है आपका A इंटू बी आपका बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, और दूसरा है A माइनस बी बिलोंग करना चाहिए S से। इतना आपको चेक करना है। अगर ये दोनों ट्रू हो रहा है तो हम बोल देंगे जो S है आपका सब रिंग है, राइट, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सब रिंग के। तो सबसे जो पहला एग्जांपल है, आप R लीजिए जेड और कोई S ले लीजिए 2Z। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं S आपका नॉन एम्पिटी है और इस R का सबसेट है, ठीक है। नॉन एम्पिटी आप कैसे देख सकते हैं, आपका जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है 2Z से, तो एक एलिमेंट तो यहाँ पे बिलोंग कर ही रहा है, इसका मतलब ये आपका सेट जो है नॉन एम्पिटी हो गया। अब आपको सबरिंग चेक करना है, तो अभी जो हमने सबरिंग टेस्ट देखा था उससे आपको ये दो प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से दो एलिमेंट लीजिए, XY बिलोंग्स टू 2Z। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका X और Y जो है वो 2Z से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X आपका कुछ 2A रहा होगा और Y कुछ 2B रहा होगा, ठीक है। अब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी से चेक करना पड़ेगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इस S से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। XY आप ले लीजिए 2A इंटू 2B, ये आपका 2 टाइम्स 2AB, इसको लिख सकते हैं। तो ये अगेन आपका 2Z से बिलोंग कर गया, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी। सेकेंड में आपको x माइनस वाई चेक करना है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 2 इंटू ए माइनस बी, अगेन ये आपका 2Z से बिलोंग कर गया है, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जो 2Z है वो आपकी सब रिंग है Z की, ठीक है। तो कोई भी आपको रिंग और उसका सबसेट दे दिया जाए, आपको बोले कि चेक करना है, तो आपको सिंपली A इंटू बी चेक करना है और A माइनस बी चेक करना है कि वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो Z जो होता है आपका सब रिंग होता है, सब रिंग ऑफ Q का होता है रियल नंबर्स का भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी होता है और गॉसियन रिंग का भी होता है। ठीक है, ये सब का सब रिंग बनाता है। फिर आपका जो Q प्लस होता है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ये रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों का सब रिंग होता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। सो क्वेश्चन है कि अगर आपका R जो है वो CRU है, मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एंड S इज ए सब रिंग ऑफ R, S इज ए सब रिंग ऑफ R, एंड इसको भी हम विद यूनिटी ले लेते हैं। ठीक है, देन इस सब रिंग की और रिंग की आइडेंटिटी क्या इक्वल होंगी? यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर आपका R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसका सब रिंग है एक S जिसके पास भी यूनिटी है, तो क्या रिंग और सब रिंग की जो यूनिटी है वो सेम होगी? ओके, सो इसका आंसर है नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि ग्रुप में होता था कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती थी वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती थी, बट रिंग्स में ये चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपका जो रिंग का यूनिटी है वो सब रिंग के इक्वल हो। अब इसका आप एग्जाम्पल, अगर काउंटर एग्जाम्पल देखना चाहें तो R इक्वल टू लीजिए Z6 और S लीजिए। पहले हम Z6 में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 0 1 2 3 4 5। S हम ले लेते हैं 2 से जनरेटेड, तो इसमें आपका आ जाएगा 0 2 4। ठीक है, अब यूनिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो खुद एलिमेंट्स ही मिल जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि R की जो आइडेंटिटी है आपकी वो तो 1 ही है। ओके, और आप चेक कर सकते हैं S की जो आइडेंटिटी है आपकी वो 4 होगी। क्यों? क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, बट 6 में मोडुलो 6 काम करता है, तो मोड 6 में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और मोड 6 में अगर हम बात करेंगे तो ये फिर से 4 आ जाएगा। ठीक है, सो आप ये चीज देख सकते हैं कि रिंग और सब रिंग दोनों की जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो आपकी इक्वल नहीं हो सकती है। राइट, ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एक रिजल्ट्स के बारे में जो सब रिंग के लिए हैं। सो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों की जो यूनिटी है वो सेम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है कि आपकी सब रिंग जो है उसके पास में सब रिंग ऑफ ए रिंग विद यूनिटी। ठीक है, मीन्स आपकी रिंग के पास में यूनिटी है बट सब रिंग के पास में नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सो सब रिंग ऑफ ए रिंग विद यूनिटी मे बी विदाउट यूनिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रिंग के पास यूनिटी है तो सब रिंग के पास भी होगी, जैसा कि ग्रुप्स में था कि ग्रुप के पास में आइडेंटिटी है सो आपका सब ग्रुप के पास में भी होगी ही होगी, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रिंग के पास है तो सब रिंग के पास भी होगी। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, अभी हमने Z का और S इक्वल टू 2Z का भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि इसका सब रिंग हो रहा था, बट 2Z के पास में आपका यूनिटी नहीं होता है। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसके पास में आपके पास में कोई भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर रिंग के पास यूनिटी है तो जरूरी नहीं कि आपके सब रिंग के पास में हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपका जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है तो आपका जो सब रिंग है वो भी, सब रिंग भी जो है वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, मीन्स सब रिंग ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ओके, सो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका सब रिंग भी कम्यूटेटिव होगा, बट अगर आपका रिंग नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, रिंग इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो आपका सब रिंग है वो भी नॉन कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, मीन्स एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग का जो सब रिंग है वो आपका मे और मे नॉट नॉन कम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है। कम्यूटेटिव भी हो सकता है, नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकता है, तो हम इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। बट अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका जो सब रिंग है वो कम्यूटेटिव होगा, ओके। फिर आपका बात आता है कि अगर आपका जो रिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो, देन आपका जो एस है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर रिंग का नॉन जीरो है तो आपका जो सब रिंग है उसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन जीरो होगा। अब हम बात करते हैं जेडन में नंबर ऑफ सब रिंग्स की, ठीक है, नंबर ऑफ सब रिंग्स इन जेडन। तो ये आपकी कितनी होती हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेडन। जितने आपके पास में जेडन में सब ग्रुप्स होंगे वो आपकी सारी सब रिंग्स फॉर्म करेंगी, और नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, टाउ एन, ठीक है। तो जेडन में नंबर ऑफ सब रिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेडन, जो कि आपके टाउ एन होते हैं। और अगर हम बात करें कि एम टाइम्स जेडन, ठीक है, एम टाइम्स जेडन ये जो है ये सब रिंग होगा आपका, इज ए सब रिंग ऑफ जेडन इफ एम डिवाइड्स एन। एज मतलब नॉर्मली हम नहीं कह सकते कि जो एम टाइम्स जेडन जो है वो जेडन का सब रिंग हो सकता है, बट अगर एम एन को डिवाइड करेगा तो उस केस में हम श्योरली कह सकते हैं कि एम जेडन जो है वो आपके जेडन का सब रिंग होगा, राइट। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइडियल्स के बारे में। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे कि आइडियल्स क्या होते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर आपके पास में एक रिंग है, इफ आर इज ए रिंग देन ए सब रिंग आई ऑफ आर, ठीक है। हमने एक रिंग लिया है और एक उसका सब रिंग लिया है। अब इस सब रिंग को हम आइडियल बोलेंगे कब, तो उसके पहले हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल देखते हैं। तो लेफ्ट आइडियल आपका क्या कहता है, इफ फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, आर ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आई से। अगर ऐसा होता है तो ये जो आई है इसको हम लेफ्ट आइडियल बोलेंगे। और अगर ए टाइम्स आर आपका बिलोंग करे आई से, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये राइट आइडियल है, ठीक है। और अगर कोई आइडियल लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो जाता है तब हम उसको बोल देते हैं कि जो आई है वो आइडियल है आपका आर का। इफ आई इज राइट एंड लेफ्ट आइडियल, ठीक है। अगर कोई जो आइडियल है आपका लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये आर का आइडियल हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि कोई जो आपने सब रिंग लिया है वो आपका आइडियली ही हो, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप क्या सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने सब रिंग बोल दिया है इसका मतलब जो हमारा सब रिंग वाला जो कंडीशंस थी वो आपकी यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब रिंग लेके सिर्फ दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको बता दी है, या तो लेफ्ट और राइट। अगर दोनों आपका होता है लेफ्ट और राइट तो हम बोल देते हैं कि वो आपका आइडियल हो जाता है, राइट। और अगर आपका आर जो है वो कम्यूटेटिव हो जाए तो आपका जो लेफ्ट आइडियल है, एवरी लेफ्ट आइडियल इज राइट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है। क्योंकि अगर कम्यूटेटिव हो जाएगा तो आर टाइम्स ए इक्वल टू ए टाइम्स आर हो जाएगा, और अगर आर ए बिलोंग कर रहा है आई से तो ए आर भी बिलोंग कर जाएगा, तो आपका हर एक लेफ्ट आइडियल जो है वो राइट आइडियल हो जाएगा। इसका मतलब अगर कम्यूटेटिव है रिंग और एक आइडियल आपके पास में लेफ्ट हो रहा है तो वो आप उसका आइडियल ही हो जाएगा। अब अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं जीरो, ये जो आपका सबरिंग होता है ये आइडियल होता है आर का, और हम आइडियल को जो है वो डिनोट इस टाइप से करते हैं, इसका मतलब है आई जो है आर का आइडियल है। ठीक है, तो जीरो आपका आइडियल होता है आर का, आर खुद भी आइडियल होता है खुद का, और ये आपके ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। ठीक है, आर और जो जीरो है वो ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो सपोज मैंने आर ले लिया है M2R का और सेट ले लिया है इस टाइप की मैट्रिसेस का AB00 सच दैट AB आपकी और रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप चेक करिए कि S जो है वो आइडियल है कि नहीं है। अगर आइडियल नहीं है तो वो राइट आइडियल है या फिर लेफ्ट आइडियल है। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे। जो अभी हमने कंडीशंस बताई कि किस कंडीशन में आपका लेफ्ट होगा, किस में राइट होगा, और अगर दोनों हो जाते हैं तो वो आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक करिएगा और चेक करने के बाद आप देखना कि ये जो एस है ये आपका राइट आइडियल आएगा। एस इज राइट आइडियल बट नॉट लेफ्ट आइडियल, बट नॉट लेफ्ट आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका जो ए टाइम्स आर जो है वो बिलोंग करेगा एस से, जहाँ पे ए आपका एस से आएगा और आर जो है वो रिंग से आएगा। ये तो बिलोंग कर जाएगा तो ये राइट आइडियल हो जाएगा, बट आर टाइम्स ए जो है वो एस से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपका सबरिंग फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आप सबरिंग चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आइडियल चेक करेंगे कि है या नहीं है, और अगर आइडियल नहीं है तो फिर लेफ्ट है या फिर राइट है या फिर दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले आपको सबरिंग चेक करना जरूरी है। ओके, अब हम जेड के आइडियल्स की बात करते हैं। तो जो जेड के आइडियल जो होते हैं वो एम जेड टाइप के होते हैं। ठीक है, एम जेड ये आपके आइडियल्स होते हैं जेड के, जहाँ पे एम आपका जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, और जेड का यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि जो एम जेड होता है वो आपका जेड का सब ग्रुप भी होता है। तो यहाँ से हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, इसके जो भी सब ग्रुप्स होंगे वो आपके आइडियल हो जाएंगे। अब आइडियल हो जाएंगे तो यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं, नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जेड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जेड में जो है नंबर ऑफ आइडियल्स वो इनफाइनाइटली हो जाएंगे। ओके, अब हम कुछ एक ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखते हैं आइडियल्स से रिलेटेड। तो हम लोग तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, या इसको आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, आपका जो कोई भी आइडियल है अगर वो आर के इक्वल नहीं है तो हम इसको बोल देते हैं प्रॉपर आइडियल। मीन्स इसमें प्रॉपरली कंटेन हो रहा है, इसके इक्वल नहीं हो रहा है। दूसरा जो चीज हम देख सकते हैं कि आपका जो आइडियल होता है वो ऑलवेज सबरिंग होता है, बट सबरिंग में नॉट बी एन आइडियल। ठीक है, क्योंकि आइडियल की तो डेफिनेशन में सबरिंग आता है, इसलिए आइडियल तो ऑलवेज सबरिंग होगा ही होगा, बट जो सबरिंग है वो आइडियल नहीं हो सकता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल भी देखना चाहें तो जेड जो होता है वो सबरिंग होता है क्यू का, बट जेड नॉट आइडियल ऑफ क्यू। इसको आप चेक कर सकते हैं, जो जेड है आपका क्यू का आइडियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आइडियल होने के लिए आपको ए टाइम्स आर या फिर आर टाइम्स ए बिलोंग करना पड़ेगा, बट आर यहाँ पे आप क्यू से लेंगे, तो जब ए टाइम्स रेशनल लेंगे तो ये कभी भी आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आइडियल की जो कंडीशन है वो आपकी फेल हो जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट आइडियल चेक करने के लिए जैसे हमने सबरिंग में दो कंडीशंस देखी थी, तो वैसे आपको सबरिंग चेक करने के लिए वो दोनों कंडीशंस और उसके बाद में आइडियल की एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, आर टाइम्स ए और ए टाइम्स आर, ठीक है। तो इसको हम सिंपली इस टाइप से भी कह सकते हैं, आई आपका आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन है ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए आई से, और सेकेंड है आर टाइम्स ए और ए टाइम्स जो आर है वो आपका बिलोंग करना चाहिए आई से, ए बी बिलोंग करेंगे आई से और आर बिलोंग कर रहा है रिंग से। अगर इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है आपका जो सेट ले रहे हैं आई, वो आपका आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप पहले सब रिंग चेक कर सकते हैं या फिर इन दोनों कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जर्वेशन आता है वो है, अगर आपका आई जो है वो आइडियल है आर का एंड जो आपकी यूनिटी है रिंग की वो अगर आई में बिलोंग कर जाती है तो जो आइडियल है वो आपका रिंग के इक्वल हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको आप बोल सकते हैं बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये। अगर आपका आइडियल है कोई रिंग का और यूनिटी उसमें अगर बिलोंग कर जाए तो आपका जो आइडियल है वो रिंग के इक्वल हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, क्योंकि आई आइडियल है रिंग का तो आई आपका इसका इसमें कंटेन होगा। अब सपोज करिए कोई एलिमेंट लीजिए आर से सच दैट ए टाइम्स वन बिलोंग कर रहा है आई से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिटी तो आई में बिलोंग कर रहा है और आइडियल है तो रिंग का एलिमेंट टाइम्स आइडियल का जो एलिमेंट है वो आपका आई में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग कर गया। इसका मतलब आपका जो आर है वो सबसेट हो गया आई का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था ही, और अब ने यहाँ से हमने दिखा दिया कि आर जो है वो आई में कंटेन है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आई जो है आपका आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर आइडियल में यूनिटी बिलोंग कर गई तो वो आपका आर के इक्वल हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि दो आइडियल्स है तो उनके प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। सो सपोज आपके पास में I1 और I2 जो है वो दो आइडियल्स हैं आर की, तो हम प्रोडक्ट को लिखते हैं I1 I2 और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समेशन AI BI I इक्वल टू 1 to k, जहाँ पे AI जो है आपका बिलोंग करेगा I1 से और BI बिलोंग करेगा I2 से। ये जस्ट सिंपली आपका I1 के एलिमेंट्स और I2 के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके उनका सम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आपका ये जो प्रोडक्ट आपने डिफाइन किया है क्या ये भी आइडियल होता है? जी बिल्कुल, अगर I1 और I2 दो आइडियल हैं तो आपका I1 I2 जो है वो भी R का जो है आइडियल हो जाता है। इसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। तो जो अभी हमने देखा कि आइडियल्स कैसे चेक करना होता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज आप यूज करके इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनके यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें, मीन्स अगर I1 I2 आपके दो आइडियल हैं रिंग के, तो जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो आपका अगेन आइडियल होता है रिंग का। मीन्स आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 का लिया है, हम 5, 10 इस टाइप से आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, तो वो भी अगेन आपका आइडियल होगा, ठीक है। बट इनका जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है कि आपका आइडियल हो या नहीं हो। वो आपका कब आइडियल होगा, I1 यूनियन I2 की अगर हम बात करें तो ये आपका आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ या तो I1 आपका I2 में कंटेन हो या फिर I2 जो है वो कंटेन हो I1 में। इन जनरल आपका जो यूनियन है वो आइडियल नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब हम जेड और जेड एन की आइडियल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जेड एन की सब रिंग्स, उसके सारे सब ग्रुप्स हो रहे थे, ठीक है। इसी टाइप से हम उनकी कुछ आइडियल्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी आइडियल्स जो है वो किस टाइप के होंगे, ताकि आपके पास क्वेश्चन आए और आप डायरेक्ट उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो जेड की आइडियल्स की अगर हम बात करें तो एन जेड सिर्फ आइडियल्स होते हैं, तो अभी हमने देखा भी था। इसके सिर्फ जो आइडियल्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं, एन जेड टाइप्स के ही, ओके। जेड के जो अगर हम जेड की बात करें तो सब रिंग्स एंड आइडियल्स ऑफ जेड आर सेम, मीन्स जो आपकी सब रिंग्स होंगी जेड की वो ही आपकी आइडियल्स हो जाएंगे। तो जितने सब रिंग्स उतने आइडियल्स, जो सब रिंग वो आइडियल आपका जेड का हो जाएगा, ठीक है। फिर जेड एन की अगर हम बात करें तो ऑल सब ग्रुप्स ऑफ रिंग जेड एन आर द only sub rings and ideals, ठीक है। जो Zn रिंग होता है इसके जो सारे सब ग्रुप्स होते हैं, Zn का सब ग्रुप्स कर लीजिए कलेक्ट, तो वो ही आपकी ओनली सब रिंग्स और आइडियल्स होंगे Zn के, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं एम एन सच दैट ये दोनों इक्वल नहीं है, देन आप एम जेड प्लस एन जेड है उसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, ये आपका होता है जीसीडी ऑफ एम कोमा एन टाइम्स जेड, ठीक है। अगर आपको एम जेड प्लस एन जेड काउंट अगर करना हो तो उसको आप करेंगे जीसीडी ऑफ एम कोमा एन टाइम्स जेड। ऐसे ही अगर आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना हो, मीन्स एम जेड इंटरसेक्शन एन जेड, ये आपका होता है एलसीएम ऑफ एम कोमा एन टाइम्स जेड, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो तो सिंपली आपका एम टाइम्स एन जेड कर देंगे, वही हो जाएगा। और एम जेड जो है वो एन जेड में कंटेन होगा इफ एंड ओनली इफ एन जो है आपका एन को डिवाइड करे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि जो 3z है वो 6z में कंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 3 को, तो यहाँ पे 3z जो है वो 6z में कंटेन नहीं हो सकता है। और वो कैसे नहीं हो सकता, अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं, 3z को आप लिख सकते हैं 0 3 6 -3 -6 इस टाइप से, ठीक है। और जो 6z होगा वो 0 6 12 इस टाइप से होगा, -6 -12 इस टाइप से आपका सेट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 हो गया, 9 हो गया, वो जो एलिमेंट्स है वो इस 6z में नहीं मिलेंगे, तो ये आपका जो 3z है वो इसमें कंटेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कब कंटेन होगा, जब हम जिसमें कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं वो n जो है वो m को डिवाइड करे, इसी केस में सिर्फ आपका कंटेनमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आइडियल्स के कुछ कंसेप्ट्स थे। सो आज के लिए हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम आइडियल्स के कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है। इनको डिफाइन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज या इनके रिजल्ट्स होंगे उनको देखेंगे। थैंक यू।